तो हेलो एवरीवन, आज मैं अपना रिव्यू देने वाला हूँ सैमसंग M32 में, जिसको मुझे यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने हो गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो फ़ोन अभी मेरे पास है, ये लाइट ब्लू कलर में है, जो कि बड़ा ही अच्छा फ़ोन लग रहा है। आपको देख ही रहा होगा, जो इसकी बैक है वो बड़ी शाइनी है। अगर कईयों को ये चीज़ पसंद है, कईयों को मैट फिनिश पसंद है, बट पर्सनली मुझे ये अच्छा लगा। जो कलर है थोड़े इसमें रेनबो वाला टिंज आ रहा है, जो कि बेटर है। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो आपको बैक कवर तो दिख ही गया होगा, तो अच्छा ही है। इसके बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, सैमसंग M32 ब्रांडिंग दिख जाएगी, सारे यहाँ पर फीचर्स हमको दिख जाते हैं। और फ़ोन से ही शुरुआत करते हैं, तो फ़ोन में अगर पीछे से शुरुआत करें कैमरा से, तो कैमरा इसके पास कौन कौन से आते हैं। 4 कैमरा सेटअप है, 64 MP कैमरा, 8 प्लस 2 प्लस 2, तो 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे आपको 4 सेटअप मिलते हैं कैमराज का। यहाँ पर हमें फ्लैश मिल जाता है। फ़ोन के राइट साइड में बात करें तो आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर मिलेगा, टाइप सी पोर्ट मिलेगा, रिकॉर्डर मिलेगा, और यहाँ पर 3.5 mm का जैक मिलेगा। लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो आपको सिम स्लॉट दिख जाता है, सिम ट्रे दिख जाएगी यहाँ पर। अगर टॉप साइड से देखें तो टॉप में आपको क्या दिखता है, ये एक होल है, ये किसके लिए, यहाँ पर रिकॉर्डिंग में अच्छी आवाज़ आपकी रिकॉर्ड ये कर सके, तो वीडियो रिकॉर्ड के टाइम ही काम आता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा सिंगल है, वो आपका ड्यू ड्रॉप टाइप का कैमरा है, और ये 20 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। फ़ोन लगने में तो बड़ा अच्छा है, पीछे बस आपको ये है कि प्रिंट्स दिख जाती है। जैसे अब एज ए फिंगर रखते हैं तो आपको क्या लगेगा, जैसे बहुत सारी प्रिंट्स होते हैं, जैसे आपको दिख भी रही होगी इमेजेस में, तो ये बहुत सारी प्रिंट्स दिखती है। वैसे भी आप मोस्ट ऑफ कवर ही यूज़ करने वाले हैं, तो इसका कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ अगर आप ट्रांसपेरेंट कवर यूज़ कर रहे हैं तो ये फ़ोन बड़ा ही बेहतरीन लगता है। फ़ोन के वेट की बात करें तो फ़ोन का वेट नॉर्मल है, कुछ लाइट वेट तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ हैवी है, बट फ़ोन अच्छा है। अगर इसकी बात करें स्पीड की, तो स्पीड बहुत ही बढ़िया है। जैसे आप लॉक अनलॉक की बात करेंगे तो लॉक अनलॉक बड़ी ही फास्टर हो जाता है यहाँ पे। रैम्स तो आपको पता ही है इसकी, जैसे रैम की बात करें तो रैम इसमें 6 GB रैम है, स्टोरेज 128 GB, ये वाला वेरियंट है जिसमें 6 GB और 128 है। इसका एक और वेरिएंट आता था जो कि अभी भी अवेलेबल है, वो है 464। अगर बात करें यहाँ पर स्पीड की, तो स्पीड में एज सच मुझे कोई इशू नहीं लगा, मुझे 2 महीने इसको यूज़ करते हो गए, तो स्पीड में मुझे एज सच कोई इशू नहीं लगा, स्पीड तो हमेशा है। रिफ्रेश रेट बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात जो स्क्रीन है वो बहुत ही बेहतरीन है। स्क्रीन आपके पास मिल जाएगी, एमोलेड स्क्रीन है आपकी, और फुल HD+ मिलती है, तो आपको स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप एक बहुत अच्छे गेमर हैं तो गेमर्स के लिए भी ये फ़ोन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर MediaTek G80 प्रोसेसर आपको मिल जाता है, तो आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एक जो यहाँ पर दिक्कत आती है वो है इसकी चार्जिंग। चार्जिंग में ये दिक्कत है कि चार्जिंग में आपको मिनिमम 2 घंटे का टाइम तो लगता है, तो 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट इसके अप्रॉक्स आपको टाइम लगता है, जो कि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार एक अगर फास्ट चार्जर यहाँ मिल जाता बॉक्स के साथ तो बेहतर रहता, क्योंकि फास्ट चार्जर के नाम पर ये लोग नहीं दे रहे हैं। 15 वाट का ही है, वो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। हाँ, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता ही है, पर वो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। बाकी एज सच बोलें तो फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैटरी इसकी बहुत शानदार है, 6000 mAh की बैटरी है, तो वो तो मोर देन इनफ है, वो आपके आराम से 1.5 दिन निकाल देगी। अगर आप नॉर्मल यूजर्स हैं, हैवी यूज़र हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 1 दिन ये बैटरी मिल सकती है। तो ये मेरा रिव्यू था सैमसंग M32 का। अगर आपको ये फ़ोन पसंद है तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है इसको ख़रीदने का, क्योंकि अमेज़ॉन पर अभी इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही किफ़ायती हो चुकी है। जैसे अभी सेल चल भी रही है अमेज़ॉन पर, तो अभी आपको फ़ोन मिल सकता है 14,000 रुपीज़ में। और अगर इसका दूसरा वेरियंट आप देखेंगे 4 GB 64 GB, तो वो आपको मिल जाएगा 12,000 रुपये में। तो इट्स अ बेटर चॉइस,
हाँ, अगर कोई सैमसंग लवर है तो उसके लिए बेस्ट फ़ोन है, तो अभी ये बहुत अच्छा मौका है ख़रीदने का, तो आई वुड सजेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।